अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 102। ये नंबर लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों का है जहां आज वोट डाले गए। 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में ही सबसे ज्यादा सीटों पर वोट डाले गए हैं। आज जिन 102 सीटों पर वोट डाले गए उनमें पिछली बार मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एनडीए पर बढ़त हासिल की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब की बार ये अंकगणित बदलेगा या फिर पिछली बार की ही तरह ही हालात रहेंगे। इस बार का अंकगणित क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन पिछली बार इन 102 सीटों का अंकगणित क्या था और क्या पहले चरण का आगाज ही बाकी 6 चरणों का अंजाम होगा, आइए समझिए। मैं तो कह रहा हूँ हमें बहुमत वाली सीटें मिलेंगी, भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन अधिकांश भारत के हिस्सों में। भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी का इंजन फेल हो चुका है, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जनता अब सरकार लाना चाहती है, राहुल गांधी जी का इंजन ही तेज इस देश को आगे बढ़ा सकता है। पार्टी मजबूत है, पूरा पीपल का माइंडसेट भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। जून 4th विल बी अ हिस्टोरिक रिजल्ट फॉर एनडीए। तमिलनाडु की सभी 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2 और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। इस तरह से पहले चरण के 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान का शोर खत्म होने के बाद अब बाकी के 6 चरणों पर जोर है। 2019 के चुनाव में इन सीटों का अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलिए जहां 3 सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन इस सूबे की चुनावी रवायत के मुताबिक कूच बिहार में कई जगह हिंसा, पथराव और मारपीट हुई। कूच बिहार के चंदामारी में जबरदस्त पथराव हुआ। बीजेपी के अनुसार टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए पत्थरबाजी की, जिसमें बीजेपी का स्थानीय बूथ प्रेसिडेंट घायल हो गया। तो कूच बिहार के सितलकुची में टीएमसी समर्थकों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। सितलकुची में ही बीजेपी ने टीएमसी पर अपने पोलिंग एजेंट विश्वनाथ पाल को किडनैप करने का आरोप लगाया। बाद में सब इंस्पेक्टर भास्कर रॉय की टीम ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाकर बूथ तक पहुंचाया। कूच बिहार के ही माथा भांगा में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर उसके पोलिंग एजेंट को पीटने का आरोप लगाया। तो राजपुर इलाके में मतदान से ऐन पहले बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट पर हमला हुआ। बीजेपी के अनुसार ये हमला टीएमसी वालों ने किया। कूच बिहार के ही दिनहाटा समेत कई इलाकों में बम मिलने से हड़कंप मच गया। कूच बिहार के गिरिया कोठी इलाके में बीजेपी समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ हुई, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। कुल मिलाकर कूच बिहार में जगह जगह ऐसी घटनाएं सामने आईं जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस जब तक है तब तक पश्चिम बंगाल में वायलेंस हो रहा है और होता भी रहेगा। जब तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगा तब यह वायलेंस भी खत्म होगा। तृणमूल कांग्रेस जितना भी
प्रयास कर ले, उनकी बम बंदूक जितना भी है प्रयास कर ले, यहाँ का आम नागरिक इसका प्रतिवाद कर रहा है और निश्चित रूप से इस बार जीत जो है लोगों की होगी, जीत जो है भाजपा की होगी। लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अगर इस विषय पर क्लियरिटी चाहते हैं तो तदंत होना चाहिए, एनआईए का तदंत होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुरू से जैसे कि इन लोगों को पता चल गया कि बंगाल का आम आदमी का समर्थन इसके पास नहीं जा रहा है, ये बुरी तरह हारने वाला है, इसलिए शुरुआत से ये लोग संतरास करने में लगे हुए हैं। हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव आयोग कमीशन के दृष्टि आकर्षण किया है और हम लोग चाहता है कि कड़ी से कड़ी जो किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। कूच बिहार में हिंसा की गूंज कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई पड़ी तो राज्य के राज्यपाल ने कालीघाट मंदिर जाकर शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूजा तक की। पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर मतदान हुआ वो उत्तर बंगाल में आती हैं। 2019 में यहां की कूच बिहार सीट बीजेपी ने 48% वोट के साथ जीती थी तो टीएमसी 44% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि अलीपुर द्वार सीट भी बीजेपी ने 54% वोट के साथ जीती तो टीएमसी 37% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी। वहीं जलपाईगुड़ी सीट बीजेपी ने 51% वोट के साथ जीती तो टीएमसी यहां भी 38% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ है, 2019 की तरह इस बार भी यह मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही रहा। फिलहाल इस इलाके की 3 लोकसभा सीटों के मतदाताओं ने अपनी पसंद ईवीएम में दर्ज कर दी है जो 4 जून को सामने आएगी और तब पता चलेगा कि जनादेश 2024 का बदला या फिर पिछली बार की तरह ही कायम रहा। पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुए मतदान का अंकगणित भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर देखिए जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जिस छिंदवाड़ा में मतदान के दौरान झड़प की बदरंग तस्वीर दिखी, उसी छिंदवाड़ा में इस दिव्यांग के हौसले का रंग भी दिखा। सुनील नाम का याद भी ठीक से न चल पाता है न बोल पाता है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने में सबसे आगे दिखा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की इकलौती सीट है जहां पिछली बार कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो छिंदवाड़ा भी कांग्रेस की झोली से छटक लेगी। टक्कर कोई चुनौती नहीं है, चुनाव मोदी जी का चुनाव है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और यह चुनाव में छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर ली कि 45 वर्षों का जो परिवारवाद, सामंतवाद, धन बल की राजनीति, शराब की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति, इसको उखाड़ फेंकेगी और छिंदवाड़ा की जनता मोदी जी का साथ देगी। मोदी जी के साथ में बहुत अच्छा माहौल है, छिंदवाड़ा की जनता ने हमेशा सच्चाई और विकास के नाम पर वोट दिया और इस बार भी सच्चाई और विकास के नाम पर वोट करेगी। 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा क्या टक्कर था क्या नहीं। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर वोट डाले गए, इनमें छिंदवाड़ा सीट 2019 में कांग्रेस से 47% वोट के साथ जीती थी तो बीजेपी 44% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि मंडला सीट बीजेपी ने 49% वोट के साथ जीती और कांग्रेस 42% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो सीधी सीट बीजेपी ने 54% वोट के साथ जीती और कांग्रेस 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं बालाघाट सीट बीजेपी ने 51% वोट के साथ जीती तो 33% वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। शहडोल सीट बीजेपी ने 60% वोट के साथ अपनी झोली में डाली तो कांग्रेस 28% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। जबलपुर सीट भी बीजेपी ने 65% वोट के साथ जीती तो यहां कांग्रेस 29% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं जहां 8 सीटों पर वोटिंग हुई, इनमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सीट मुजफ्फरनगर भी शामिल है। बहुत बढ़िया चुनाव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सामने एक जाट प्रत्याशी दिया हुआ है, लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? पहली बात तो इंडिया गठबंधन यहाँ है नहीं, कांग्रेस को तो मेरे एक जमाना हो चुका, तो सपा सपा बच रही भाई, यहाँ तो और गठबंधन में कुछ है नहीं। और भाई किसी न किसी जाति का तो चुनाव लड़ना ही है, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सर्व समाज चुनाव लड़ाता है, कोई एक जाति नहीं लड़ाती कभी चुनाव। विधायक भी नहीं, गाँव का प्रधान नहीं बना सकती जाति, तो
सर्व समाज से मिलकर जो भी बनता है बनता है। संजीव बालियान के अपने दावे हैं तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरिंद्र मलिक के अपने। जीत तो सो भी रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, जीत वो तो जनता जीत रही है, जनता और सत्ता जब टकराए अभी जनता जीत का ही है। यूपी में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से 3 पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी तो 2 पर मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को, वहीं 3 सीट अन्य यानी बीएसपी के खाते में गई थी। पश्चिमी यूपी के कैराना में भी पहले चरण में मतदान हुआ, यहां से बीजेपी के प्रदीप चौधरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मैदान में उतारा था। जी उनके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है, ना काम की बात वो करते हैं, ना मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ बहकावे की बात करते हैं। और 400 पार का मुद्दा एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहकावा है, एक चुप्पी है इस चुनाव में और वो चुप्पी सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार के लिए बुरे संकेत दे रही है और उनको हटाने का काम करी। एक तरफ पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ तो दूसरी तरफ इसी इलाके के अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कैसे निशाना साधा जरा सुनिए। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें? इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अखिलेश यादव भी पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर में थे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बनकर के रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। पहले चरण के चुनाव में राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले गए। राजस्थान की इन 12 सीटों में से 11 पर बीजेपी को जीत मिली थी तो 1 सीट पर उसकी सहयोगी आरएलपी को जीत मिली, जो अब विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। ये सीट नागौर है जहां आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का मुकाबला बीजेपी की ज्योति मिर्धा से था। नागौर में मतदान के दौरान आरएलपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत भी हो गई। इसमें कुचेरा चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के सिर में गंभीर चोट आई। तेजपाल पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी की ज्योति मिर्धा के साथ हैं। नागौर की हिंसा को छोड़ दें तो राजस्थान के बाकी इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण पूरा हुआ। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने वोट डाले। स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब चाहते हैं कि हम अगर हमारे क्षेत्र का विकास सचमुच में करना चाहते हैं और चेंजेस देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कड़ी से कड़ी जोड़ना, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का ही हो। 400 पार होगा, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ हमें बहुमत वाली सीटें मिलेंगी। भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन अधिकांश भारत के हिस्सों में। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये तो भाजपा के नेता बोल रहे हैं, उनको खंडन करना पड़ रहा है। अगर किसी बात में दम नहीं है तो खंडन क्यों कर रहे हैं? और ये जो दावे हैं 300, 400, 500 पार के, इनमें कोई दम नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि पूरे देश भर में लोग इच्छुक हैं। महाराष्ट्र की भी 5 सीट पर वोट डाले गए जिनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सीट नागपुर भी शामिल है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, खुद नितिन गडकरी, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने वोट डाले तो भंडारा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और गोदिया में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मतदान किया। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा विश्वास। महाराष्ट्र में पहले चरण की जिन 5 सीटों पर वोट डाले गए उनमें 2019 में बीजेपी को 4 पर जीत मिली थी तो विपक्षी गठबंधन को 1 पर। पहले चरण के चुनाव में ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ। यहां खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया। तो योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में वोट डाला, वहीं अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल के मतदान केंद्र पर वोट डाला। ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा, आप मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं घुमा होगा। जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का जनता दिखता, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ऐसा है कि दिल्ली में बैठ के नहीं समझ आता है, जब यहाँ गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना तेज करंट है। हमने 5 लाख पार का लक्ष्य रखा है, 5 लाख पार का लक्ष्य रखा है आपने, कितने कॉन्फिडेंट है जीत के? पूरे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी। पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ उनमें पिछली बार मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को एनडीए से ज्यादा सीटें मिली थी। खास बात यह है कि इनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें भी शामिल हैं, जहां 38 सीटों पर विपक्षी गठबंधन को एक तरफा जीत मिली थी।